हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अल्फ़ा स्टडी चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, एनसीईआरटी का सारे चैप्टर का क्वेश्चन वन बाय वन कवर कर रहे हैं। आज जो चैप्टर होगा, 14वां चैप्टर होगा, जो कि ऊर्जा के स्रोत से संबंधित है। इनके सारे सवालों को देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले 13 वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को ज़रूर देखें। बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन कराया गया है। आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अच्छे ईंधन के गुण हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है अच्छे ईंधन के गुण हैं। तो यहाँ पे मध्यम ज्वलन ताप होना चाहिए, सही बात है। अगर आप किसी अच्छे ईंधन के ये गुण है कि मध्यम ज्वलन ताप होना चाहिए, अगर अधिक ताप होगा तो बर्तन ही पिघल जाएगा, तो ये अच्छे ईंधन तब नहीं होगा। अच्छे ईंधन के गुण होना चाहिए कि मध्यम ज्वलन ताप होना चाहिए, धुआं या हानिकारक गैस उत्पन्न ना करें, ये भी एक अच्छे ईंधन के गुण है। और एक आता है उच्च कैलोरीफिक मान। तो उच्च कैलोरीफिक मान का मतलब होता है कि कम मात्रा में अधिक देर तक उसका प्रयोग कर सके, कम मात्रा को अधिक देर तक प्रयोग कर सके, तो इसे ही बोलते हैं उच्च कैलोरीफिक मान। तो इसमें से जो अच्छे ईंधन होंगे उनके ये सारे गुण होंगे, तो इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सारे गुण होंगे, तो इनमें से सही आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत नहीं है, तो आपको बताना है कि कौन ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत नहीं है। तो पारंपरिक स्रोत क्या होता है, पारंपरिक स्रोत उसे बोलेंगे हमारे पूर्वजों के द्वारा लाखों वर्षों से प्रयोग किए आते हैं जो ऊर्जा, उसे ही पारंपरिक स्रोत बोलते हैं। तो यहाँ पे पारंपरिक स्रोत नहीं है पूछा है, तो जैव मात्रा, कोयला और पेट्रोलियम ये जो है पारंपरिक स्रोत है, जबकि नाभिकीय ऊर्जा पारंपरिक स्रोत नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में विश्व का लगभग कितना प्रतिशत कोयला है, तो आपको बताना है कि भारतवर्ष में विश्व का लगभग कितना प्रतिशत कोयला है, 3%, 6%, 12% या 8%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6%। याद रखिएगा, भारत में विश्व का लगभग 6% कोयला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीवाश्म ईंधन के जलाने पर उत्पन्न प्रदूषण है, तो जीवाश्म ईंधन वह ईंधन जो जीव से बनता है, जीव के सड़ने गलने से बनता है, जीव के अवशिष्ट पदार्थ से बनता है, उसे जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। और जलाने से उत्पन्न प्रदूषण पूछा है, तो यहाँ पे क्या आंसर मेरा हो जाएगा, ये SO2। अगर जीवाश्म ईंधन जलाते हैं तो SO2। जीवाश्म ईंधन के उदाहरण देते हैं कोयला, पेट्रोलियम, ये सब जो है जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है, पेट्रोलियम। तो जीवाश्म ईंधन जलाने पर उत्पन्न प्रदूषण कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी होगा और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होगा। और ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, यही अम्ल वर्षा का कारण बनता है, अम्ल वर्षा का कारण बनता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस को प्रभावित करता है, जिससे धरती पर जो है अत्यधिक गर्मी का जो है अनुभव होता है और गर्मी बढ़ जाता है वायुमंडल का कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो जीवाश्म ईंधन जलाने पर उत्पन्न प्रदूषण जो है, ये सारे प्रदूषण ही होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में ऊर्जा की मांग की लगभग कितना प्रतिशत पूर्ति जल विद्युत संयंत्र से की जाती है, तो याद रखिएगा, भारत में जो जल विद्युत संयंत्र से जो ऊर्जा की पूर्ति की जाती है वो लगभग 25% की जाती है। और भारत में सबसे ज़्यादा जो है ऊर्जा की पूर्ति वो तापीय विद्युत संयंत्र से किया जाता है। याद रखिएगा, तापीय विद्युत संयंत्र से सबसे अधिक ऊर्जा की पूर्ति की जाती है और जल विद्युत संयंत्र से लगभग 25% किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैव गैस या बायोमास है ना, इसमें कितने प्रतिशत मीथेन गैस होती है, तो याद रखिएगा, इसमें 75% मीथेन गैस होता है। जैव गैस या बायोमास क्या होता है, मिट्टी के अंदर या बाहर में, मिट्टी के अंदर ही एक कंटेनर पे बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ, सब्जी, फल, गोबर इत्यादि सब में डाल दिया जाता है और इसे बंद कर दिया जाता है।
तब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहता, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है बैक्टीरिया बन जाता है यहाँ पे, और बैक्टीरिया द्वारा जो है विघटित कर दिया जाता है इनको, जो भी अवशिष्ट पदार्थ को विघटित करने के पश्चात इसमें मीथेन, CH4, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस और सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड इत्यादि गैस का निर्माण होता है, जिसमें से 75% जो है मीथेन होता है, और इसका प्रयोग जो है हम लोग गैस के रूप में करते हैं, खाना पकाने के लिए या फिर कोई भी चीज़ आग ज्वलन के लिए जो है बायोगैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बहुत सस्ता तकनीक है और बहुत फ़ायदेमंद भी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जैव गैस में बायोमास का कितना प्रतिशत है? 75% जो है मीथेन होता है गैस। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में भारत का पवन से ऊर्जा उत्पन्न करने में कितना स्थान है? तो याद रखिएगा, पवन से जो ऊर्जा उत्पन्न करता है, ये जो पवन होता है, इस तरह से जो पवन होता है, इससे जो ऊर्जा उत्पन्न करता है, वो लगभग, वो जो स्थान पूछा है कि भारत में स्थान कितना है इस पवन से ऊर्जा उत्पन्न करने में, तो याद रखिएगा 5वां स्थान है, और डेनमार्क को जो है पवनों का देश कहा जाता है। याद रखिएगा, डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित उपग्रह में प्रयोग ऊर्जा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, मानव निर्मित उपग्रह जो होता है, जो सैटेलाइट होता है ना, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, चांद एक सैटेलाइट है लेकिन वो प्राकृतिक सैटेलाइट है, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होता है, जो हम लोग भेजते हैं धरती से, उसमें जो है ऊर्जा के लिए सौर सेल का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौर सेल। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? तो ये सौर सेल करता है, सूर्य से ऊर्जा लेता है सौर सेल, और इसे जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौर सेल। अगला क्वेश्चन की चलते हैं। नाभिकीय ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो नाभिकीय ऊर्जा जो है दो प्रकार की होती है। कौन कौन? एक नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, और एक होता है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन क्या होता है? नाभिकीय विखंडन में होता है कि एक भारी नाभिक जो है दो हल्के हल्के नाभिक में टूट जाता है, इसे ही बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, और इसमें ऊर्जा मुक्त होता है, और इसमें जो है दो हल्के नाभिक जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है, जिसमें बहुत सारा ऊर्जा मुक्त होता है, इसे ही बोलते हैं नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सौर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सौर कुकर में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, इसीलिए सौर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा जो है प्रकाश की किरण को एक समांतर पुंज में निकालता है, इसी कारण से जैसे प्रकाश यहाँ पे आया तो ये जो है इस तरह से समांतर कर देगा इसको, सारे प्रकाश को, और एक ही जगह फोकस करेगा, इसीलिए जो है सौर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए आप सौर जल तापन उपकरण का प्रयोग किस दिन नहीं कर सकते? तो आप जो है ये सौर जल तापन होता है, ये सूर्य से पानी को गर्म करता है, तो गर्म जल प्राप्त करने के लिए आप सौर जल तापन उपकरण का प्रयोग किस दिन नहीं कर सकते? धूप वाले दिन तो कर सकते हैं, गर्म दिन में भी कर सकते हैं, और वायु वाले दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन बादल वाले दिन में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सौर जल तापन जो होता है ताप से ही चलता है, धूप से ही चलता है, तो धूप तो है नहीं बादल वाले दिन, तो बादल वाले दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा, जैसे कि अभी बताया, ये सारा जो है जैव मात्रा का उदाहरण है, गोबर गैस, कोयला और लकड़ी, जबकि नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होती है? तो कौन सा ऊर्जा का स्रोत जो है सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होती है? तो पवन ऊर्जा जो है ये भी सौर ऊर्जा से उत्पन्न होता है, ये नाभिकीय ऊर्जा नहीं होगा इसका, भूतापीय ऊर्जा और जैव मात्रा ऊर्जा,
ये सारा जो है सौर ऊर्जा से उत्पन्न होता है, जबकि नाभिक की ऊर्जा सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिक की ऊर्जा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है पूछा है, स्रोत नहीं है। तो सबसे पहले जान लेते हैं नवीनकरणीय क्या होता है। तो एक होता है अभी अनवीनकरणीय, एक होता अनवीन अनवीनीकरणीय अनवीनीकरणीय, और एक होता है नवीनकरणीय, है ना, दो ठो होता है। तो अनवीनकरणीय उसे बोलते हैं ऊर्जा की ये वो स्रोत है जो किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएंगे, इसीलिए इसे अनवीनीकरणीय ऊर्जा बोलते हैं। जबकि नवीनकरणीय जो है ये जल्दी समाप्त नहीं होंगे, बहुत दिन चलेंगे, ठीक है। तो जो अनवीनकरणीय का जो उदाहरण होगा वो होगा जीवाश्म ईंधन, जिसमें कोयला पेट्रोलियम इत्यादि आ जाएगा, है ना, जो किसी एक दिन जो किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएंगे। ऊर्जा के वे स्रोत है जो किसी न किसी एक दिन समाप्त हो जाएंगे, उसे ही अनवीनीकरणीय बोलते हैं। तो इसमें कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, उसके बाद जो है जल विद्युत संयंत्र जो है ये नवीनकरणीय हो जाएगा, और जबकि पवन ऊर्जा ये भी नवीनकरणीय हो जाएगा, और जैव मात्रा ये भी नवीनकरणीय, क्योंकि ये जो जल विद्युत संयंत्र जो है ये जल्दी समाप्त नहीं होगा, पवन ऊर्जा भी नहीं और जैव मात्रा भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवीनकरणीय पूछा है, मतलब वे ऊर्जा के स्रोत जो किसी न किसी दिन समाप्त नहीं होंगे, मतलब बहुत लंबे समय तक चलेंगे, ये इसे ही बोलते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा जीवाश्म। अगला क्वेश्चन, बस आज भर इतना ही क्वेश्चन था फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एकदम ज़रूर दिल से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सब्सक्राइबर ही हमें मोटिवेट करेगा और लाइक, ठीक है। और कुछ सुझाव देना है आपको, अगर कोई सजेशन देना है कि ऐसे कुछ कुछ अगर इम्प्रूवमेंट नहीं और चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और तो शेयर कर दीजिए दोस्तों में फटाफट से। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।